हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ डिफरेंट और नए तरीके से तुरई की सब्जी कैसे बनाएं कि बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे, उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। डिफरेंट तुरई की सब्जी कैसे बनाए उसका। तुरई की सब्जी एक डिफरेंट और नए तरीके से बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तुरई ली है और इस गिलकी तुरई को अपन ऐसे छील लेंगे। अंगुली का नीचे सपोर्ट रहेगा और इसे ऐसे छीलेंगे तो ये बीच में से टूटेगी नहीं और अपन को छीलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना क्या होता है कि ये बीच में से टूट जाती है। अभी देखिए अंगुली का सपोर्ट है तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। ऐसे करके आपको 6-7 गिलकी तुरई छील लेनी है। तुरई का आगे वाला और पीछे वाला पार्ट अपन कट कर देंगे और एक कद्दूकस लेंगे जिसे अपन कद्दूकस करते हैं घिया वगैरह, और इसे ऐसे ग्रेट कर लेंगे। इसमें ये देखिए ऐसे आपको ग्रेट करना है। जितने लोगों के लिए आप ये सब्जी बनाओ उतने लोगों के लिए आपको तुरई ऐसे ग्रेट कर लेना है और सावधानी से करना है क्योंकि ये देखिए ऐसे लग भी सकती है। आप ऐसे करो तो उंगली के लग भी सकती है, छिल सकता है यहाँ से। तो ऐसे करके यहाँ से करके आपको एंड तक लेके जाना है और तभी आपकी ये लेयर है ना लंबी लंबी निकलेगी और सब्जी में दिखेगी भी। ऐसे करके अपन सारी ये तुरई ग्रेट कर लेंगे। आपको ऐसे ग्रेट कर लेना है और हाँ, ये काली भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए हल्की हल्की ऐसे आपको डार्क कलर की लग रही होगी तो इन्हें थोड़ी देर पहले पानी में रखेंगे और पानी से निकालते इसमें अपन मसाले ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर हरा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और टर्मरिक पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर क्योंकि मेरी रेड चिली पाउडर बहुत स्पाइसी है, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अपन तवे जैसा एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, अगर आपके पास तवा हो लोहे का तवा वो भी ले सकते हो। और इसमें जैसे मेरे पास 6-7 तुरई थी तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवल 2 टेबल स्पून ऑयल। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हो। और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे अपन जीरा। जैसे इतना कम है तो ये जीरा देखिए कितनी जल्दी तड़कने लग गया और ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। ज्यादा ये पानी छोड़ने लग गई है। हम जो सब्जी बना रहे हैं वो तवा तुरई, सिंपल वाली तवा तुरई सब्जी बना रहे हैं तो ये देखिए इसे इसी में फ्राई कर लेंगे। ना ज्यादा ऑयल लगा ना और कुछ, और अभी इसे पकने देंगे इस तुरई को। इसमें सब्जी तैयार हो चुकी है। कितनी मस्त लजीज सब्जी बनी है। आप एक बार ये तवा फ्राई वाली तुरई की सब्जी बना लेंगे ना तो सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, वेट नहीं हो रहा। मैं ये केवल खुद के लिए बनाई हूँ इसलिए आपको मैं बताई हूँ। 1-6 तुरई के लिए इसे तो मैं खुद अकेले ही चट कर जाऊंगी पूरी सब्जी को। ऐसी ही तुरई की सब्जी बनाने की आपके पास डिमांड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ।